हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर गर्ल अवनी यादव एंड वेलकम बैक टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब देखेंगे कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं, और उसके बाद देखेंगे सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अ सोसाइटी इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स हु इंटरेक्ट टू सेटिस्फाई देयर सोशल नीड्स एंड हु शेयर अ कॉमन कल्चर। सोसाइटी क्या है? एक ह्यूमन बींग से बहुत बड़ा लार्जेस्ट नंबर, मतलब जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अपनी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और जो एक साथ कॉमन कल्चर, मतलब सेम कल्चर को शेयर करते हैं। उसके बाद है डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी बाई डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट। सो फर्स्ट इज़ मैकाइवर एंड पेज। According to McIver and Page, a society is a system of usages, authority, mutual aid, grouping, division, and a system of liberty and control. McIver और Page के according, society system है usages का, authority का, mutual help का, grouping का, division का, मतलब society के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, authority होती है, mutual help होती है, grouping, division, control and liberty. In other words, society is a network of social relationships. दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि सोसाइटी सामाजिक रिलेशनशिप्स का एक नेटवर्क है। फिर सेकेंड इज थीमा शेफ। सोसाइटी मीन्स मैन इन इंटरडिपेंडेंसी, मतलब इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या है? सोसाइटी का मतलब है मैन इन इंटरडिपेंडेंसी, मतलब जब मैन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। नाउ द थर्ड इज एल ड्यूटर। अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी मीन्स अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। एल ड्यूटर के अकॉर्डिंग सोसाइटी का मतलब है म्यूचुअल इंटरेक्शंस का एक सिस्टम, जहाँ पर ह्यूमंस के बीच में इंटरेक्ट होता है, इंटर रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि एक ग्रुप्स में होती हैं या फिर इंडिविजुअल भी हो सकती हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम बोल सकते हैं सोसाइटी के फीचर्स, यानी कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट सोसाइटी इन वाइडर सेंस, इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन द बेसिक एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सोसाइटी। सोसाइटी को इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब सोसाइटी को और अच्छे से समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम सोसाइटी के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं पहले उनको समझें। फर्स्ट इज़ लाइकनेस। लाइकनेस ऑफ मेंबर्स इन अ सोशल ग्रुप इज़ द प्राइमरी बेसिस ऑफ देयर म्यूचुअलिटी। जो लाइकनेस है किसी भी मेंबर की, यानी कि किसी भी जो सोशल ग्रुप है उसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसका बेसिक क्या होगा? म्यूचुअलिटी, मतलब वो लोग आपस में एक दूसरे से कितने अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। इन एंशियंट सोसाइटी लाइकनेस वॉज बेस्ड अपॉन फैमिली, किनशिप, कास्ट ग्रुप एक्सेट्रा। जो पुराने ज़माने में जो सोसाइटीज़ होती थी उसमें सिमिलैरिटीज़ किस चीज़ के बेसिस पर थी? फैमिली के बेसिस पर, रिलेशनशिप्स के बेसिस पर, और कास्ट ग्रुप यानी कि जाति के बेस पर। बट इन मॉडर्न सोसाइटीज़ इट इज़ बेस्ड अपॉन सिमिलर हॉबीज़, ऑक्यूपेशन एंड इंटरेस्ट। लेकिन जो आज के टाइम की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे सिमिलरिटी किस चीज़ के बेसिस पर है? हॉबीज़ के बेसिस पर, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर और इंटरेस्ट के बेसिस पर। लाइकनेस इज़ द लाइक लिंक अप फॉर म्यूचुअलिटी। और जो लाइकनेस है वो सोसाइटी में एक लिंक है म्यूचुअलिटी के लिए और इंटरेक्शन करने के लिए। सेकेंड इज डिफरेंसेस। इट हैज़ टू बी नोटिस दैट सोसाइटी नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ लाइकनेस बट डिफरेंसेस टू। ये चीज़ आप लोगों ने भी देखी होगी कि सोसाइटी में सिर्फ लाइकनेस यानी कि सिर्फ सिमिलरिटीज़ नहीं होती हैं बल्कि डिफरेंसेस भी होते हैं। फैमिली इज़ बेस्ड अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स विद मैन एंड वुमेन। मतलब जैसे अगर एग्जाम्पल ले तो फैमिली में, अगर फैमिली को देखें तो फैमिली में सिर्फ सिमिलरिटीज़ नहीं होती हैं, फैमिली में भी डिफरेंस होते हैं। फैमिली में डिफरेंस किस चीज़ के बेसिस पर होता है? सेक्स के बेसिस पर, जैसे कि मैन एंड वुमेन। डिफरेंसेस इज नेसेसरी टू सोसाइटी एंड इज सबॉर्डिनेट टू लाइकनेस। जो डिफरेंसेस हैं ऐसे नहीं है कि सोसाइटी के लिए हमेशा हार्मफुल होते हैं, डिफरेंसेस भी सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं और ये लाइकनेस को सबॉर्डिनेट होते हैं। थर्ड इज सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ अथॉरिटी इन इट्स एवरी स्फेयर। मतलब जो सोसाइटी है सोसाइटी में अथॉरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं और उसके हर स्फेयर में होती है। जैसे कि फैमिली में अथॉरिटी होती है पेरेंट्स की, स्कूल्स में अथॉरिटी होती है प्रिंसिपल की और टीचर्स की, और फिर जो रिलीजन होता है रिलीजन में अथॉरिटी होती है प्रीस्ट की, यानी कि जो पंडित वगैरह होते हैं। फोर्थ इज़ कोऑपरेशन। सोसाइटी इज़ बेस्ड अपॉन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन विच इज़ बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। जो सोसाइटी है वो कोऑपरेशन पर भी बेस्ड होती है, मतलब सोसाइटी में
जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को काफ़ी हद तक कोऑपरेट करते हैं, जो कि सोशल लाइफ का बेसिस भी है। अगर आप एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर ऐसे सोसाइटी में कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। दो कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी, बट सून आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स कोऑपरेशन इज रिस्टोर्ड बैक इन सोसाइटी। मतलब ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में सिर्फ कोऑपरेशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन इतने सारे लड़ाई झगड़ों के बावजूद भी सोसाइटी में फिर से कोऑपरेशन रिस्टोर होता है। फिफ्थ इज सोशल कंट्रोल। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ अ सोशल कंट्रोल। सोसाइटी में जैसे अथॉरिटी प्रेजेंट होती है, वैसे ही एक कंट्रोल का सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। इट इज़ बिकॉज मैन बिहेवियर नीड्स कॉन्स्टेंट चेकअप टू कीप हिम विद इन द लिमिट्स। अब मतलब ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि कंट्रोल की ज़रूरत क्यों है, तो कंट्रोल सोसाइटी को कंट्रोल की ज़रूरत है क्योंकि जो मैन का बिहेवियर है उसको कॉन्स्टेंट चेकअप की ज़रूरत होती है लिमिट में रहने के लिए और डिसिप्लिन में रहने के लिए। सोशल कंट्रोल जैसे कि लॉ है, मिलिट्री है। सिक्स्थ इज एवर चेंजिंग। सोसाइटी डज नॉट रिमेन स्टेटिक, रादर इट इज़ डायनेमिक। जो सोसाइटी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, बल्कि वो चेंज होती रहती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन डिज़ायर्स ऑफ ह्यूमंस। जो सोसाइटी है वो चेंज होती रहती है किसके साथ, ह्यूमंस की डिज़ायर्स यानी कि ह्यूमंस की नीड के अकॉर्डिंग। सेवेंथ इज ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। सोसाइटी में ग्रुप्स भी होते हैं और सब ग्रुप्स भी होते हैं। वेयर ह्यूमन इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर। ग्रुप हो जाएगा जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, वो एक ग्रुप हो जाएगा सोसाइटी का, और उसके सब ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, मतलब यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेजेस होंगे या फिर उन कॉलेजेस में जितनी भी क्लासेस लग रही होंगी वो उसके सब ग्रुप हो जाएंगी। फिर एट इज एब्स्ट्रैक्ट, मीन्स सोसाइटी कैन ओनली बी फेल्ट एज इट इज इंटेंजिबल इन नेचर। मतलब सोसाइटी को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो नेचर में इंटेंजिबल होती है। सोसाइटी को आप देख नहीं सकते या फिर आप बोल नहीं सकते कि ये सोसाइटी है या यहाँ से यहाँ तक सोसाइटी होगी, नहीं, सिर्फ सोसाइटी को हम फेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों की आज की वीडियो ख़त्म होती है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे से टेलीग्राम पर ले सकते हैं, यूज़र नेम डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।